हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बनाएंगे घिया की बर्फी। इसके लिए हमें चाहिए एक घिया। इसको अच्छे से धो लेंगे और इसका छिलका उतार लेंगे। इसका अच्छे से छिलका उतारने के बाद इसको एक बार फिर धो लेंगे और अब हम इसको कद्दूकस करेंगे। घिया को अच्छे से कद्दूकस करने के बाद अब हम लेंगे एक फ्राई पैन और फ्राई पैन में इस कद्दूकस की हुई घिया को डाल के भूनेंगे। इसको अच्छे से भूनें जब तक इसका पानी अच्छे से ना सूख जाए। इसको लगातार घुमाते रहिए। इसका पानी लगभग सूख गया है और ये अच्छे से भून चुकी है। अब हम एक बर्तन में खोया निकालेंगे। जब ये खोया अच्छे से गाढ़ा हो जाए, देखिए इसकी शेप कुछ ऐसी होनी चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे कद्दूकस की हुई घिया। और इसको लगातार चलाते रहेंगे। इसको लगातार चलाते रहें, इसको नीचे न लगने दें। इसको लगभग 10 मिनट तक पकाएं। खोया और घिया हमारा आपस में मिक्स हो चुका है। जब ये अच्छे से गाढ़ा हो जाए तब हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी डालकर इसको अच्छे से मिलाएं। इसको लगभग 5 मिनट तक पकाएं और लगातार हिलाते रहिए। ये बर्फी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसको निकालेंगे अलग से एक बर्तन में। बर्तन में पहले हम घी लगा लेंगे। इसके बाद इस मिक्सर को इस थाली में निकाल लेंगे। हमने सारा मिक्सर इसमें निकाल लिया है। इसको अच्छे से फैलाएं और इसको कुछ देर तक ठंडा होने दें। और ठंडा होने के बाद इसको फ्रिज में रख दें और इसको बर्फी की शेप में काट लें। थैंक यू।